हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी देखिए पतझड़ का मौसम है। परसों ही मैंने साफ सफाई की थी, फिर दो दिन के बाद फिर से यही है। देखिए पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँगी इन सब का, फिर मैं दूंगी सब में खाद वगैरह। तो अभी देखिए कितने अच्छे से फ्लावर्स खिले हैं। तो ये रहा, और इसमें सीड्स भी बहुत ज़्यादा अभी बनने लगे हैं, पहले नहीं बनते थे तो अभी बन रहे हैं। ये डबल पेटल के हैं, कुछ सीड्स हैं मैंने नहीं बोए हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे दिखाए थे कि फेसबुक से आया है मेरे पास, तो उन्हें मैंने नहीं डाला था, अभी तक मैंने नहीं बोए हैं। तो अभी देखिए खाद दूंगी, ये पत्तियों का खाद है। वैसे तो अभी पूरा तो नहीं सड़ा है, बोन मिल है, सरसों की खली है, एप्सम सॉल्ट है, और ये वर्मी कंपोस्ट है। फिलहाल मेरे पास गोबर खाद या बकरी की खाद नहीं है, मैं वही ज़्यादा से ज़्यादा डालती रहती थी, लेकिन अभी वो नहीं है, तो मैं फ़िलहाल जो है वही डालूँगी। तो उससे पहले देखिए साफ सफाई हो रही है, तो मैं सभी पत्तियों को ना थोड़ी सी साफ सफाई कर थोड़ी सी, उसके बाद मैं थोड़ा पानी दूँगी, खाद दूँगी, फिर उसके बाद ही मैं पानी दूँगी। वैसे तो ये क्लीन है, सिर्फ पत्तियाँ ही गिरी हैं। अभी मैंने देखिए आपसे बात करते करते वहाँ का सफाई वगैरह मैंने कर ली है, फिर मैंने आपसे थोड़ी सी ही यहाँ से दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर रखा है, देख रहे हैं आप कितना सारा गिरा है। तो इन सबको थोड़ी सी इकट्ठा कर लूँगी मैं। अभी देखिए पतझड़ का मौसम है तो पत्तियाँ गिरेंगे, खाद के लिए तो हमें मेटेरियल मिल जाएंगे। और थोड़ा पानी, एक दो दिन गैप होने पर भी मेरी पत्तियाँ सारे गिर रहे हैं, तो ये सब हो रहे हैं। अब नए पत्तियाँ भी आएंगे, सीजन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसा। एक ठंड तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है, हमारे यहाँ ठंड तो 20 के बीच में ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, हल्का सा ठंड रहता है, जैसे नॉर्थ साइड होता है उतना सारा तो ठंड नहीं रहता है। और घर में इतनी टेंशन चल रही है, थोड़ी वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ। मेरी गार्डन बहुत सारा खराब हो रहा है इसी के कारण, और सब लोग वो मेरे गार्डन के पीछे पड़े हुए हैं गार्डन को तबाह करने में ही, तो उस वजह से भी मेरी मुसीबत बढ़ रही है। वैसे कोई भी सपोर्ट तो है नहीं मेरे पास करने के लिए, ना काम बांटने के लिए, ना कुछ ला कर देने के लिए, मैं अकेला ही संभालती हूँ सारा। तो ये सब प्रॉब्लम मैं बहुत दिन से फेस कर रही हूँ। इधर का साफ सफाई परसों किए थे तो ज़्यादा नहीं इधर पत्तियाँ वगैरह आए हैं, तो पूरे वहाँ से हटा कर मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी काम स्टार्ट हो गया है, तो अभी साफ सफाई हो गई, तो चलिए थोड़ी सी खा देती हूँ, और थोड़ी कटिंग्स है वो जो लगानी है। ये बहुत सारे सूख गए थे तो अभी बन भी रहे हैं, तो इन्हें भी मैं थोड़ी सी लगा लेती हूँ इसकी कटिंग। कहीं कहीं पर एक दो बचे हैं, यहाँ पर एक है और एक कहीं पर मैंने देखा था इसका, तो इन सबको थोड़ी थोड़ी सी मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद लगा लेती हूँ मैं ये वाला कटिंग बचा है, तो उसके बाद मैं लगा लेती हूँ गजानी को लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे से खिल रहे हैं, इसको हटाने के लिए सोच रही हूँ। तो ये सब में वही कटिंग्स लगे हुए थे, सूख गए हैं सारे, तो देखिए अभी ऐसी हालत हो रही है, तो इन सबको थोड़ी थोड़ी सी मैं लगा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ। ये सब काम धीरे धीरे से हो रहे हैं, ये सब विंटर फ्लावर्स हैं, अभी विंटर में बहुत अच्छे से इसकी फ्लावरिंग होगी। तो उसके बाद है ये देखिए गुलदाउदी कितनी प्यारी सी खिल रही है मेरी यहाँ,
बहुत सुंदर सी अभी सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, बढ़िया सी लग रही है। लेकिन मैंने ही थोड़ी सी केयर करना छोड़ दिए थे, अब नहीं, हम तो संभल चुकी हूँ थोड़ी सी मैं अपने आप को, और थोड़ी सी मैं काम में वापस हो रही हूँ। तो यहाँ पर ये भी एक लगा हुआ था, तो कितना प्यारा सा ये लग गया है। तो इन सबको थोड़ी थोड़ी सी खाद वगैरह दे दी। तो दो सकुलेंट्स ऐसे हैं मेरे इसमें, देखिए हल्की सी ये फ्लावर्स आने लगे हैं, पहली बार है ये, तो इसमें भी एक आए हैं। तो ये दोनों कौन से प्लांट्स हैं थोड़े आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, इस सकुलेंट्स का नाम, इस दो का ज़रूर बताइएगा। तो उनमें फ्लावर आ रही है, तो बाकी इसमें कोई भी फ्लावर्स वगैरह नहीं आ रही। और ढेर सारे देखिए ये वाले फ्लावर्स आ रहे हैं कोलियस के, इसके भी बीज बनते हैं, बीज से भी उगता है, ये बीज से भी। देखिए यहाँ पर ये कोलियस की है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये कोलियस की है, तो बीज यहाँ पर एक लगी हुई है। देखिए कोलियस की ना बीज से भी अच्छे उगते हैं, तो ये सब कोलियस की हैं, इन सबको कर लूँगी। और ये पिंक और ऑरेंज शायद दो ही है कलर्स मेरे पास अभी, तो बाकी कलर्स देख लूँगी, अगर हो सके तो ऐड हो पाएगा, नहीं तो नहीं। येलो तो लास्ट ईयर से ही ख़त्म है, येलो नहीं मुझे दिखा कहीं से भी, तो ये सब शायद वही है। सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, देखिए ये सब भी मुझे लगानी थी, मैं नहीं लगा पाई थी, तो ये सब और ये सब में देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह हो रही। तो ये सब इन सबको तो यहीं पर रखा रहने देंगे हम, ये सब थोड़ी सी वीड वगैरह हटाकर सब में अभी मैं देने वाली हूँ खाद वगैरह। और चलिए थोड़ी सी मैं पौधों को खाद देने के लिए खाद वगैरह मैं रेडी कर रही हूँ। एक ट्रिप मैंने डाल चुकी हूँ, मैं आपसे दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने मिक्स किए हैं। वैसे तो देखिए ये कुछ पौधे हैं, कौन सी लगानी है इकट्ठे मैं लेकर बैठ रही हूँ, वही जो आपको मैंने दिखाया था दैंतस और गजानिया की प्लांट्स की थोड़ी थोड़ी मैं डिवाइड कर लगाऊंगी। और बीच में देखिए ये जो फल हुए थे वो मैं खा रही हूँ, अपने ही गार्डन का मज़ा आता है ना। अच्छा लग रहा है। कुछ दिन से मैं थोड़ी अपसेट थी, मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, मैं वीडियोस नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा रेगुलरली, थोड़ी सी वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही थोड़ी अच्छी जब भी चलने लगती है, मेरे किस्मत ऐसी है कि मैं कुछ और मेरे वो मुसीबत बढ़ती जाती है। तो ये देखिए मैं कुछ निकाल रही हूँ इस तरह से, ये दैंतस की है, मिट्टी के साथ मैंने निकाली है। इन सबको मैं बाद में फंजीसाइड भी दूंगी, शायद वो सब मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी फ़ोन आया था कि स्कूल से कि बेटी रो रही है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है अभी वो, तो मुझे वहाँ जाना है। तो जितने भी छोटे छोटे पॉट्स है वो लगा रही हूँ, आज मैं इसका काम करूँगी, किसी और दिन मैं कैलेंचू को लेकर काम करूँगी, किसी और दिन मैं गुलदाउदी के सारे इसमें मैं काम करूँगी। तो टाइम निकालूँगी मैं एक एक दिन एक एक काम के लिए, तभी मैं कुछ गार्डन को थोड़ी सी मैं बैक हो जाऊँगी, गार्डन में फिर से मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली है, बोन मिल है, एप्सम सॉल्ट है, पत्तियों की खाद है, इन सबको मैं मिलाकर ही थोड़ी दो दो तीन तीन मुट्ठी सभी बड़े पॉट्स में दे दूंगी, फिर मैं पॉटिंग में थोड़ी थोड़ी सी डाल रही हूँ। वैसे अभी पत्तियाँ बहुत सारे गिरे हैं, पूरे मेरे बड़ा सा एक थैली भरकर पत्तियाँ जमा हुई हैं, तो उन सबको खाद बनाने के लिए भी मुझे उनमें थोड़ी सी पानी और मिट्टी ऐड कर बंद कर रखनी है। तो ये सब काम है। तो ये पुराने मिट्टी कुछ दिन पहले ही मैंने भर कर रख दिए थे इनमें,
सुखा कर, धूप में सुखा कर उसमें मैंने रख दिए थे। उसे रिचार्ज करने के लिए देखिए आप इसमें मैं पत्तियाँ वगैरह मिक्स कर पानी डालकर खाद बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली खाद डालकर मिट्टी में मिक्स कर पौधे लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। ऐसे अभी पौधे मैंने बहुत कम कर दिए हैं क्योंकि पानी की बहुत मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं पानी के लिए किसी और पर निर्भर हूँ, डिपेंड हूँ। और थोड़ी मैं अपनी पौधों को थोड़ी सी मैं कम भी कर रही हूँ, तो इन सब को मिला रही हूँ। देखिए नीचे अगर बड़े बड़े हो ले तो थोड़ी सी पत्तियाँ वगैरह डाल रही हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने रखी थी, कुछ मैंने नीचे पत्तियाँ ही डालकर रखी थी, वो सब ना पत्तियाँ अभी गल रही हैं, कुछ पॉट्स में जो है वो गल रही हैं। जैसे आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं तो पता होगा आपको, मैं नीचे पूरे के पूरे पत्तियाँ वेस्ट बहुत ज़्यादा डालती रहती हूँ। तो इस समय जो है मिट्टी अपने आप ज़्यादा बढ़ती जाएगी और खाद की कमी होती जाएगी, मतलब खाद थोड़ा कम डालती रहती हूँ मैं, तो इस वजह से पौधे चलते रहते हैं। तो और मिट्टी अच्छा फर्टिलाइज अपने आप होता रहेगा, अच्छी मिट्टी बन जाती है। तो फिर से मैं देखिए फिर से मिला रही हूँ। वैसे ही मैंने 3-4 बार इसको मिलाकर अपने पौधों को जितनी मुझे लगा देनी है सभी में, तो वो सब मैं मिलाकर थोड़ी थोड़ी सी मैं देकर काम कर रही हूँ। तो अभी 10 ही बजे हैं, लेकिन धूप जो है बहुत तेज़ धूप निकली है। सब में मैंने दे रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने खाद वगैरह नहीं दिए हैं। आप चाहे तो DAP, फास्फोरस, पोटैश जो भी है आप मिलाकर दे सकते हैं। वैसे मैं तो ऐसे ही खाद देती हूँ, बकरी का खाद ज़्यादा देती हूँ, अभी मैंने कहीं से लाए नहीं है। लाने के बाद मैं नेक्स्ट जब दूँगी तो बकरी का खाद लूँगी। तो इस तरह से देखिए एक मिक्स कर रख रही हूँ, तो जब भी कम पड़ती है मतलब डालनी है तो इस तरह से मैं डालती रहती हूँ। वैसे आजकल मैं वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बकरी का खाद थोड़ी सी कम मैं ला पा रही हूँ। तो सारे ये हिबिस्कस हैं, यहाँ पर गुलदाउदी है, इन सब में ही मैंने ज़्यादा दिया है। और फ्रूट्स प्लांट्स को भी मैंने आज दिए हैं। वैसे नींबू के पॉट में भी मुझे छोटी छोटी नींबू बन रही है, तो उसमें भी देनी है। वो सब शायद मैं नेक्स्ट करूँगी या कब करूँगी पता नहीं। वैसे तो देनी तो है, नहीं तो शाम में दे दूँगी क्योंकि अभी तुरंत एक काम आ गया ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी देर हो गई। तो ओके, मेरा तो सब अभी खाद तो मैं सभी में दे चुकी हूँ, थोड़ी थोड़ी सी मैं पानी भी डाल रही हूँ। तो मुझे अर्जेंट कॉल आया है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुरंत ही उसे स्कूल से लाना के लिए जाना है। देखिए इस तरह का काम बीच में आ रहा है,
तो अभी मैं जो निकलना है फटाफट से। सो ओके फ्रेंड्स बाय, फिर मैं आपके वीडियो नेक्स्ट शेयर करूँगी।